तो मैं इस सूप को बोलता हूँ द क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर। इतना टेस्टी और यमी सूप आपको पीकर मजा आ जाएगा। तो इसे बनाने के लिए आपको लेना एक पैन, उसमें डालना थोड़ा बटर और बटर को लो फ्लेम पर मेल्ट होने देना। उसके बाद इसमें डालना लहसुन और इसे हल्का सा चला लेना। अब आप इसमें डालना प्याज और इसे बस हल्का सा गुलाबी कर लेना। लास्टली इसमें डालना एक चम्मच मैदा और इसे भी हल्का सा भून लेना। अब आप इसमें डालना मेन इंग्रेडिएंट गोभी और उसमें भी मेनली उसका फूल। अब आप इसमें डालना दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर देना। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप इसमें डालना स्वाद अनुसार नमक और इसे लास्ट टाइम मिक्स करके बॉयल आने देना। जब दूध में आ जाए और उसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए तब आप गैस को बंद कर देना और इसे ठंडा होने देना। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे मिक्सी में डालकर इसका एक प्यूरे तैयार कर लेना। प्यूरे को दोबारा पैन में डालना, इसे हल्का गर्म करना। अब आप इसमें डालना काली मिर्च पाउडर और थोड़ा चीज़ और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना। आपका द क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर रेडी है। इसमें डालना थोड़ा बटर और इसे गर्मा गर्म सर्व करना। बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई करना। और शॉर्ट्स पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।